हर रविवार की तरह इस बार भी बेरोजगार अध्यापकों द्वारा शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीतहेयर के निवास स्थान के समक्ष धरना लगाया गया। बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए बेरोजगार अध्यापकों द्वारा पंजाब सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी की गई। वहीं शिक्षा मंत्री की कोठी के आगे बड़ी संख्या में पुलिस बल, वाटर कैनन, सीसीटीवी कैमरों से लैस वैन व पुलिस प्रशासन तैनात रहा। पुलिस द्वारा शिक्षा मंत्री की कोठी की तरफ जाने वाले सभी रास्तों को सील किया गया। इस दौरान बेरोजगार अध्यापक और पुलिस के बीच कहां सुनी भी हुई। इस संबंधी बातचीत करते हुए प्रदर्शनकारी बेरोजगार अध्यापकों ने कहा कि चुनाव से पहले आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, सीएम भगवंत मान उनके पास आकर पानी वाली टंकी पर चढ़ रहे प्रदर्शन के दौरान वायदा करके गए थे कि आपकी सरकार बनने पर वे उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे। अदालत में भी वह फैसला जीत चुके हैं, परंतु अब शिक्षा मंत्री मीतहेयर उनके साथ बातचीत करने को भी तैयार नहीं है, जिस कारण वे मीतहेयर को वायदा याद करवाने आए हैं। उन्होंने मांग की कि पीटीआई अध्यापकों की मेरिट लिस्ट जारी की जाए और उनकी भर्ती की जाए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। सर, 2011 च पोस्टा निकलिया सी, उस टाइम साडा टेस्ट रखता सीगा, टेस्ट हाई कोर्ट, मानयोग हाई कोर्ट ने साडा रद्द करता सीगा। अकाली कांग्रेस सरकार वेले असी सताए हुए लगातार टैंकियां ते चढ़दे रहे, लगातार आपदियां मंगां नूं लै के रोस मुजारे करदे रहे। पिछली सरकार ने भी सानूं सताया, असी मोहाली टैंकी ते साडी सिप्पी शर्मा भैण 84 दिन लगातार बैठी रही, ते उदों जदों आम आदमी पार्टी विरोधी धिर दा रोल अदा कर रही सी, उत्थे चाहे अनमोल गगन मान होवे, चाहे बलजिंदर कौर होण, चाहे हरपाल चीमा जी होण, बुद्ध राम जी होण, मीतहेयर सर होण, ते उस तों बाद सीएम भगवंत मान ते कन्वीनर दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद टैंकी कोले आ के साडे साथियां नाल टैंकी ते बैठे होए गल्लबात करी, सारा मामला उन्हां ने सुनिया। उस तों बाद साडा मामला जिहड़ा हाई कोर्ट 'चों असीं जित चुके हाँ पिछले 11 सालों तों, जिहड़ा जित लड़ रहे सीगे, जदों असीं मामला जित गए तो उन्हां नूं पता लग्गिया, तां उन्हां ने यह गल कही कि साडी सरकार बणदी तुहाडा जिहड़ा मामला उह पहल दे आधार ते सॉर्ट आउट किया जाऊगा। सरकार बनी नूं लगातार 3 महीने हो गए, असीं लगातार चंडीगढ़ के चक्कर ला रहे हैं, DGSC DPI सर नूं मिल रहे हैं, वो सिर्फ लारे ला रहे हैं। मीतहेयर सर नाल भी एक दो बार मीटिंग हुई, वो भी कह रहे हैं भी तुहाडा प्रोसैस चल रहा है, अजे तक साडा कदे प्रोसैस सानूं दिखाया नहीं कागजां, सिर्फ जुबान जुबान दे बोलिया वर्बली, पता नहीं कितने प्रोसैस चल रहे हैं। साडी मंग यह है भी जिहड़ा मानयोग हाई कोर्ट ने फैसला देता कि इन्हां दी मैरिट लिस्ट जारी की जाए, साडी मैरिट लिस्ट जारी करके सानूं स्कूलों 'च भेजा जाए, साडी मुख मंग है। सर, जिन्ना चिर साडियां मंगां नहीं मनिया जाणगियां उन्ना चिर लगातार घराव जारी रहेगा। पिछले 11 सालों तों असीं घराव भी करदे आए हाँ, पिछलियां दो सरकारां तों भी असीं डांगा खाधियां, ते जे सानूं आम आदमी पार्टी तों भी डांगा खाणियां पैणियां तां असीं खाण वास्ते तैयार हां। अजे तक कुछ नहीं मिलिया सानूं लारां तों सिवा, अजे कुछ नहीं मिलिया, जिन्ना चिर ग्राउंड रियलिटी ते काम नहीं होगा उन्ना चिर कुछ नहीं मन्निया जाऊगा। नहीं, पुलिस प्रशासन ने अपना काम करना, असीं अपना काम करना, ते जिहड़े उही पहलां उन्हां दी राखी करन वास्ते बंदे लाए जांदे सी, हुण उही राखी करन वास्ते आम आदमी पार्टी दे बंदे लाए जांदे आ। सानूं तां इह सी वी मीतहेयर सर दा फोन आऊगा, साडे साथियां नाल गल करनगे वी तुहाडा मामला सॉर्ट आउट करूगा, बट इत्थे तां उही जिवें पिछलियां सरकारां करदियां आ रहियां उवें हुण दिखण नूं मिल रहा। बदलाव देखण नूं मिल रहा सर? बदलाव दिखण नूं तुहानूं मिल ही रहा, तुसीं खुद पत्रकार हो, तुसीं पिछलियां सरकारां नूं भी कवरेज कीता होगा ते हुण भी कवरेज कीता, जिन्ना चिर कुछ कम नहीं हुंदा उन्ना चिर की बदलाव? इलैक्शनां तों पहलां पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, असीं सुहाणा टैंकी उपर ये भैन जी मैरिज नूं 8 महीने हो जी टैंकी उपर जची रही है, ये उदों वादा करके गए थे भी साडी सरकार आउण ते तुहाडी मैरिट लिस्ट जारी कर देंगे। उस तो बाद पंजाब दे जिहड़ा डिपार्टमेंट हैगा उन्होंने भी कोर्ट च ये कहा भी असीं फिजिकल टीचरां दी लोड़ आ सानूं, पर अज्ज असीं सिक्ख्या मंत्री मीतहेयर जी नूं दसण आए हां भी कोर्ट वल्लों जिहड़ा फैसला उह साडे हक च आ गया, AGP ने भी साडे हक च लिख के देता, क्लीन चिट देती भी इहनां दी भर्ती कीती जावे, पर सिक्ख्या मंत्री जी साडे नाल मीटिंग नहीं कर रहे। जे असीं चंडीगढ़ जाने हां तां ओह सुणी नाल मीटिंग हुंदी, असीं 5-7 हज़ार रुपया ला के आ जाने हां, उत्थे कोई सानूं पल्ले नहीं पैंदा। अज्ज असीं वादा चेते कराउणा आ इत्थों दे सिक्ख्या मंत्री नूं, इत्थों दे पंजाब सरकार दे मुख्यमंत्री नूं, भी तुसीं केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, सिप्पी शर्मा भैन नूं टैंकी उपरों ला के आए थे, जो साडी सरकार आउंदी आ उह साडी सरकार आउण ते तुहाडी मैरिट लिस्ट जारी कर दित्ती जाऊ, जिहड़ा हरा पैना गा उह बेरोजगारां ते चलूगा। पर अज्ज 2 महीने हो गए, सानूं पता भी सरकार नूं बणी नूं बहुत समां घट होया, पर सरकार नवीं भर्तियां कढ़न लग गई, आपदी भर्ती कढ़न लग गई, जिहड़ियां पुरानियां भर्तियां ने उहनां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दित्ता जा रहा जी। प्रशासन देखो जी, सवेर दा धक्का मुक्की कर रहा, हुण तुहाडे सामने
ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਏ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਲੇ ਘੜੀਸੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 92 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਨੇ, ਸਭ ਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਆ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਣ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਰੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।